हाजा, हर लफ्ज़ के शुरू में आप इस हाजा को बढ़ा लीजिए। आप कहेंगे हाजा बैत। किसी इमारत के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो आप कहेंगे मा हाजा, जवाब दिया जाएगा हाजा बैत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं आपका टीचर अताउर रहमान इबन अब्दुल रहमान सनाबली क़सीमी, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको अरबी में बातचीत करना सिखाएंगे। आइए हम लिख देते हैं कोर्स का नाम, अरबिक स्पीकिंग कोर्स। अरबिक स्पीकिंग कोर्स यानी अरबी बोलचाल का कोर्स। इसी को अगर हम अरबी में कहना चाहें तो कहेंगे दौरतुत तहद्दुसी बिल्लुगतिल अरबिया। आइए मैं आपको इस कोर्स के बारे में मज़ीद तफसील से बताने वाला हूँ। नाजरीन, जहाँ तक इस कोर्स के दौरानिये की बात है कि ये कोर्स कितना लंबा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये कोर्स 21 घंटे का होगा, जिसको आपकी आसानी के लिए 50 एपिसोड्स में तकसीम किया गया है। यानी अगर आप रोज़ाना इस कोर्स को 25 मिनट दें तो आप 50 दिन में इसे पूरा कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाने वाला है? हमारे इस कोर्स में आपको सिखाया जाने वाला है कि अरबी ग्रामर का ख्याल रखते हुए अरबी ज़बान में बातचीत किस तरीके से की जाती है, और इसी तरह इस कोर्स में आपकी वोकेबुलरी को भी डेवलप किया जाएगा। हमारा ये कोर्स किन लोगों के लिए है, किस तरह के लोग हमारे कोर्स में शरीक हो सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो नाजरीन, हमारे कोर्स में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुरान मजीद को देखकर पढ़ना जानते हैं दुरुस्त तरीके से, तो आप हमारे इस कोर्स में शामिल होने के लिए क्वालिफ़ाइड हैं। नाजरीन, कोर्स का आगाज़ करने से पहले ये सवाल तो बनता है कि हमें अरबी ज़बान क्यों पढ़नी चाहिए। इस सवाल के जवाब कई तरीक़े से दिए जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमें अरबी ज़बान इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि अरबी कुरान मजीद की ज़बान है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह युसुफ़ में, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, यानी हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में उतारा है ताकि तुम समझ सको। यानी अरबी ज़बान में कुरान के उतारने का ताल्लुक़ काफ़ी गहरा है समझने से। वो कुरान जो बंदों के नाम अल्लाह का आखिरी पैगाम है, और जिसको इस हद तक समझ कर पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि जिससे दीन का ज़रूरी इल्म हासिल हो जाए और एक मुसलमान दीन की बुनियादी बातें समझ जाए। चुनांचे इस किताब को नाजिल किए जाने का मकसद ही ये बताया गया है कि लोग इसमें गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह ताला फरमाता है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयाति वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आपकी तरफ इसलिए उतारी है ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फ़िक्र करें और अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। एक दूसरी आयत में कुरान में गौर व फ़िक्र ना करने को दिलों पर ताले पड़ने की अलामत बताया गया है। चुनांचे फरमाया, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा। क्या ये लोग कुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते या फिर इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? नाजरीन किराम, अरबी ज़बान हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि हमारी दुनिया व आखिरत की फ़लाह कुरान से जुड़ी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के ज़रिए कुछ कौमों को बुलंदी अता करेगा और कुछ को ज़लील कर देगा। ज़ाहिर है कि हम उस वक्त तक बुलंदी से हमकिनार नहीं हो सकते जब तक कि हम कुरान को समझ कर उससे इल्मी, अमली और अखलाक़ी एतबार से रिश्ता ना मजबूत कर लें, और ये काम अपनी मुकम्मल सूरत में अरबी ज़बान सीखे बिना मुमकिन नहीं है। कुरान मजीद किताब हिदायत है और इंसान इससे कमा हक़्क़ुहु हिदायत भी तभी हासिल कर सकता है जब उसको बराह रास्त अरबी ज़बान में समझेगा। इसी तरीके से एजाज़े कुरान यानी कुरान मजीद के मौजिज़ा होने को भी इंसान तभी समझ सकता है और उसका मौजिज़ा होना तभी साबित कर सकता है जब उसकी अरबी ज़बान पर गिरफ्त मजबूत होगी। कुरान मजीद एक मौजिज़ा है, ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में साफ साफ फरमाई है और कुरान में भी इसका ज़िक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने भी नबी आए सबको कोई ना कोई निशानी दी गई थी, और मुझे जो निशानी दी गई है वो कुरान मजीद है, वो वही है जो अल्लाह ने मेरी तरफ भेजी है, और ये वही चूँकि क़यामत तक रहने वाली है, ये मौजिज़ा क़यामत तक ज़िंदा रहने वाला है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स मेरे होंगे। नाजरीन, इसी तरीके से अरबी ज़बान अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू का ज़रिया भी है। अगर हम अरबी ज़बान सीख लेते हैं तो हम अपनी इबादत में, अपनी नमाज में, अपनी दुआओं में इस बात का शऊर हासिल कर सकते हैं कि हम अल्लाह से मुकालमा कर रहे हैं, हम अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, अल्लाह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये तभी हो सकता है जब हमको अरबी ज़बान आती होगी, और इसके नतीजे में हमारी नमाज में खुशू और खुजू पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मवाक़े की जो दुआएँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, जो जामे कलिमात पर मुश्तमिल हैं, वो दुआएँ भी अरबी ज़बान में हैं। अगर आप उन दुआओं को बग़ैर समझे पढ़ते हैं तो फिर आप एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम हैं। अगर आप उन दुआओं का उर्दू में तर्जमा भी कर लें तब भी वो बात नहीं आ सकती जो बात उस वक्त आएगी, उस वक्त पैदा होगी जब आपको अरबी ज़बान आती होगी। इसी तरीके से नाजरीन, अरबी ज़बान का सीखना अल्लाह की मारिफत हासिल करने का एक बहुत अहम वसीला और ज़रिया है। कुरान मजीद में हमें बताया गया है कि अल्लाह के बहुत ही अच्छे अच्छे नाम हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, इसलिए उन नामों के ज़रिए से तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से दुआएं मांगो। और अल्लाह के ये सारे के सारे अच्छे अच्छे नाम अरबी ज़बान में ही हैं। इन नामों के अंदर अल्लाह ताला का पूरा तारुफ छुपा हुआ है। अगर हमें अरबी ज़बान आती होगी तब हम इन नामों के ज़रिए से अल्लाह ताला को अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अरबी ज़बान सीखने की अहमियत इस बात से भी बढ़ जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सब की सब अरबी ज़बान में हैं, जो कि हिकमत का ख़ज़ीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊती तो जवामे अल कलिम, कि मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं, यानी कम लफ्ज़ों में बड़ी बड़ी बातें कहने का हुनर मुझे दिया गया है। नाजरीन, अगर आप इन जामे कलिमात की गहराई में उतरकर उन्हें समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी अरबी सीखना ज़रूरी है। नाजरीन, सहाबा व ताबईन के ज़माने से ही इल्म दीन की बहुत सी शाखों की बुनियाद पड़ चुकी थी, जो बाद में खिलाफत बनु उमैया और खिलाफत अब्बासिया के अदवार में मज़ीद तरक्की करती चली गईं। इल्म दीन की इन्हीं शाखों को इस्लामी उलूम कहा जाता है। ये सब उलमा व अइम्मा-ए इस्लाम की काविशों का मजमुआ है। ये तमाम इस्लामी उलूम और बिलखुसूस फ़िक़्ह यानी दीन के अहकाम की तफसीलात असलन अरबी ज़बान ही में हैं। इसी तरह कुरान मजीद की अक्सर तफासीर, खुसूसन सलफ़ सालिहीन की तफासीर अरबी ज़बान में ही हैं, जो कुरान को बाद के ज़मानों की आलूदगियों से पाक होकर खालिस तरीक़े से समझने में अहम किरदार अदा करती हैं। अल-ग़रज़ दीन को सही तरीक़े से समझने के लिए अरबी ज़बान का जानना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यही वजह है कि सहाबा किराम में से कई सहाबा ने अरबी ज़बान को बाकायदा दीन का हिस्सा कहा है। अमीरुल मोमिनिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अरबी ज़बान सीखो, ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। माहिर क़ारी कुरान हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तअल्लमुल अरबिय्या कमा तअल्लमून हिफ्ज़ल कुरान, जिस तरीक़े से तुम कुरान का हिफ्ज़ सीखते हो वैसे ही अरबी ज़बान भी सीखो। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि अब तक जो हमारी गुफ्तगू हुई उसका ताल्लुक़ लिखने और पढ़ने से है, हालांकि बात ऐसी नहीं है। अब तक की जो हमारी अरबी सीखने और समझने के ताल्लुक़ से जितनी भी गुफ्तगू हुई है, इसका ताल्लुक़ जिस तरह से पढ़ने लिखने से है उसी तरीक़े से इसका ताल्लुक़ अरबी बोलने से भी है, क्योंकि आप किसी आदमी को किसी ज़बान का जानकार उसी वक्त कहते हैं जब वो उस ज़बान में बातचीत करना जानता है। अगर आप किसी ज़बान में सिर्फ़ पढ़ सकते हैं, आप बोल नहीं सकते या लिख नहीं सकते, तो आपका ज़बान के बारे में इल्म अधूरा है। इसका मतलब यह है कि आपको वो ज़बान नहीं आती, या यूँ कह लीजिए कि पूरे तरीक़े से नहीं आती। अरबी ज़बान और अरबी बोलचाल सीखने के और भी बहुत से फ़ायदे और मकासिद हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अरबी ज़बान अहले ईमान का शिआर और उनकी पहचान है। इमाम इब्ने तमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़इन्नल लिसानल अरबिय्य शिआरुल इस्लामी व अहली, कि बेशक अरबी ज़बान इस्लाम और अहले इस्लाम का शिआर है, उनकी पहचान है। अरबी ज़बान का सीखना हमारे लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अरबी ज़बान मिल्लत को और उम्मत मुहम्मदिया को आपस में मरबूत करने का एक अहम वसीला है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। इस शेर का मतलब ये है कि उम्मत मुस्लिमा का कोई शख्स उसी वक्त तक ज़िंदा रह सकता है जब तक वो अपनी मिल्लत और उम्मत से जुड़ा हुआ है। समंदर की मौज उसी वक्त तक मौज होती है जब तक वो समंदर में होती है, जबकि समंदर के बाहर उसकी कोई वक़ात नहीं रह जाती, वो फ़ना हो जाती है। नाज़रीन, हम 1.5 अरब की एक आलमी मिल्लत हैं जिन्हें एक जिस्म की मानिंद होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुमिन लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, यानी एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होता है कि इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूती अता करता है। मोमिनीन को आपस में जोड़ने और उनके दरमियान मजबूत ताल्लुक़ पैदा करने वाली ज़बान अगर कोई हो सकती है तो वो अरबी ज़बान है। इसी तरीके से आलम इस्लाम और मुसलमानों के मुक़द्दसात यानी मक्का, मदीना और फ़लस्तीन, इन सब की ख़बरें हासिल करने का बराह रास्त अगर कोई ज़रिया है तो वो अरबी ज़बान है। अरबी से नावाकिफ़ियत की वजह से हम आलम इस्लाम की ख़बरों को यूरोप और अमेरिका की एजेंसियों के वास्ते से जान पाते हैं, जिसमें वो जो चाहते हैं और जैसे चाहते हैं तहरीफ़ करने से गुरेज नहीं करते। ये तो थी अरबी ज़बान की दीनी अहमियत। अगर हम खालिस दुनियावी नुक्ता नज़र से भी देखें तो तब भी अरबी ज़बान की अहमियत कुछ कम नहीं है। 467 मिलियन लोग यानी 46 करोड़ 70 लाख लोगों की ज़बान अरबी है, जो कि कुल आबादी का लगभग 6% बनता है। यानी अगर आपको अरबी ज़बान आती है तो आप दुनिया के हर 18वें शख्स से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरबी ज़बान सीखकर सारी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के दरमियान अजनबियत महसूस नहीं करेंगे। मालूम होना चाहिए कि मुसलमान दुनिया की आबादी का लगभग 23% हैं। अरबी ज़बान दुनिया की 4थे नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। इसी तरीके से अरबी ज़बान की अहमियत इससे भी बढ़ जाती है कि अरबी ज़बान 25 से ज़ायद ममालिक की कौमी ज़बान है, जिनमें उर्दन, अरब इमारात, बहरीन, सऊदी अरब, सूडान, कोयत, यमन, तुनिस, सूरिया, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, लुबनान, मिस्र और मोरितानिया में तो सिर्फ़ अरबी ही आफिशियल ज़बान है, जबकि अर्द सोमाल, अरितेरिया, इसराइल, जज़ायर, सोमाल, इराक़, मगरिब, तशाद, जुज़रुल क़मर और जबूती जैसे मुल्कों में दूसरी ज़बानों के साथ साथ अरबी ज़बान को भी रस्मियत हासिल है। यानी दूसरी ज़बानें भी वहाँ ऑफिशियल ज़बान का दर्जा रखती हैं और साथ साथ अरबी ज़बान को भी वो दर्जा हासिल है। नाज़रीन, अरबी की अहमियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगाएँ कि अरबी ज़बान अक़वाम मुत्तहिदा की 6 आफिशियल ज़बानों में से एक है। इसी तरीके से अरबी ज़बान मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट, जो कि आलमी तिजारत की बड़ी अहम मंडी है, वहाँ की ज़बान है। लिहाजा हर मल्टीनेशनल कंपनी को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है और इसी तरह अरबी जानने वाले के लिए रोज़गार के मौक़े भी खुलते हैं। अरबी सीख कर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर पेशों से वाबस्ता अफराद मशरिक़ वस्ता में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और अरबी ज़बान पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। अरबी ज़बान में महारत के ज़रिए दुनिया भर में अरबी के टीचर, प्रोफेसर वग़ैरह के तौर पर करियर बनाया जा सकता है। इन सब बातों के अलावा अरबी की कुछ अपनी खसूसियतें भी हैं जो दूसरी ज़बानों में नहीं पाई जाती। जैसे एक खसूसियत इख्तिसार है। इख्तिसार यानी अरबी में जो अल्फाज होते हैं, जो कलिमे होते हैं, जो जुमले होते हैं, वो बहुत तूल तवील नहीं होते। बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे अल्फाज में, छोटे छोटे जुमलों में आ जाती हैं। मैं आपको मिसाल देकर बताना चाहूँगा कि जैसे अखुन, उम्मुन और अबुन, इसमें सिर्फ़ 2 ही हर्फ हैं। अखुन के माना होते हैं भाई, उम्मुन यानी माँ और अबुन यानी बाप। इसी तरीके से नाजरीन काफ ज़ेर की, ये भी पूरा एक जुमला है। अगर हम कहते हैं की के माना होते हैं बचाओ, और अगर हम ना बढ़ा दें कीना, तो माना हो जाएंगे कि हमें बचाओ, कीना हमें बचाओ, वकीना अज़ाबन्नार उसी से बना है। तो आपने देखा अरबी ज़बान में कितना इख्तिसार है। अरबी ज़बान की एक खसूसियत इश्तिक़ाक़ है। इश्तिक़ाक़ का मतलब ये होता है कि एक ही मस्दर यानी रूट वर्ड से कई कई अल्फाज बनते चले जाते हैं। जैसे एक लफ्ज़ है इल्म, उससे कई अल्फाज निकल जाएंगे। अलिमा यानी जाना, ताल्लमा यानी सीखा, अल्लमा यानी सिखलाया। अलमुन के माना होते हैं झंडा, आलिमुन के माना होते हैं जानने वाला, आलमुन के माना होते हैं दुनिया, मुताल्लिम सीखने वाला, मुअल्लिम सिखाने वाला, मालमुन इसके माना होते हैं अलामत। और इसी तरीके से अलामा, अलामत, अल्लामा, तालीम, ताल्लुम। तो आपने देखा आइन, लाम, मीम, ये एक ही रूट वर्ड है लेकिन उससे बहुत से अल्फाज बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा ये होता है कि वोकेबुलरी डेवलप करने में, अपने पास ज़ख़ीरा अल्फाज जमा करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरीके से अरबी ज़बान की एक खसूसियत उसकी मिठास है, उसकी बलागत और तासीर है और बहुत कदीम होना भी अरबी ज़बान की एक खसूसियत है, जो खसूसियत दुनिया की राइज ज़बानों में नहीं पाई जाती। नाजरीन, आम तौर पर बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरबी ज़बान बहुत मुश्किल ज़बान है, इसको सीखना बहुत कठिन है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अरबी ज़बान बहुत ही आसान ज़बान है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फ़रमाया है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने के लिए। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? नाजरीन, अगर अरबी ज़बान मुश्किल होती तो कुरान आसान नहीं हो सकता था। कुरान आसान है तो इसका मतलब यह है कि अरबी ज़बान आसान है। और अरबी ज़बान के आसान होने की एक दूसरी वजह भी है, वो हमारे मुसलमान होने से जुड़ी हुई है। हम लोग अरबी में अजान सुनते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ मौक़े की दुआएं सुनते और याद करते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो ख़वातीन और मर्द के नाम होते हैं वो भी अरबी में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अरबी ज़बान से हमें काफ़ी हद तक पहले से ही मानूस कर चुकी होती हैं। फिर जब हम अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं तो अरबी ज़बान हमारे लिए कोई अजनबी ज़बान नहीं रह जाती। तो ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि अरबी ज़बान कोई मुश्किल ज़बान है। अरबी ज़बान बहुत ही आसान है, बस शर्त है मेहनत और मश्क। नाज़रीन, किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई होती है हर्फ। हर्फ सबसे छोटी इकाई होती है, फिर हर्फ के बाद लफ्ज़ का नंबर आता है, फिर लफ्ज़ के बाद जुमले का नंबर आता है। अगर हमें किसी भी ज़बान को सीखना है तो सबसे पहले हमें तवज्जो देनी होगी जुमले पर। जुमले उसी वक्त अच्छे हो सकते हैं जब हम जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को अच्छे तरीके से समझते हों, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हों। और अल्फाज हरूफ से बनते हैं, तो पता ये चला कि जब हम अरबी ज़बान में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें हर्फ, लफ्ज़ और जुमला तीनों चीज़ों पर मेहनत करनी होगी। नाजरीन, अगर हम किसी नई ज़बान को सीखना चाहते हैं तो उस ज़बान को सीखने के लिए चार चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम उस ज़बान को सुनें, उस ज़बान को पढ़ें, उस ज़बान में सोचें और उस ज़बान में लिखें। फिर बोलने की बारी उसके बाद की आती है। तो अगर आप अरबी ज़बान में महारत के साथ बोलना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे इस कोर्स के साथ साथ अरबी ज़बान में पढ़ना भी होगा, अरबी ज़बान में सुनना भी होगा और इसी तरीके से सोचने की भी मशक करनी होगी। अरबी ज़बान में हम किस तरह सोच सकते हैं? तो सबसे पहले सोचने के लिए हमें ज़रूरत होगी कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम, अपने गिरदो पेश की, अपने आसपास की चीज़ों के नाम अरबी में जानें। जब हमें पता होगा कि अरबी में इस चीज़ को क्या कहते हैं और उस चीज़ को क्या कहते हैं, तभी हम अरबी में इस और उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। आम तौर पर जब लोग कोई भी ज़बान सीखते हैं तो उन्हें एक शर्म सी महसूस होती है, एक झिझक होती है, एक रुकावट होती है जो बोलने से हमें रोकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अरबी बोलने में गलती भी करते हैं तब भी आप बोलने से पीछे ना हटें। आप एक बार गलती करेंगे, दो बार गलती करेंगे, तीन बार गलती करेंगे, लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप बग़ैर किसी गलती के फर्राटे से अरबी बोलना सीख जाएंगे। इसी तरीके से नाजरीन, अगर किसी लफ्ज़ की आपको अरबी बर वक्त ना भी जहन में आए तो आप उस चीज़ का उर्दू, हिंदी या इंग्लिश नाम ही अरबिक स्टाइल में बोल दें। जैसे अगर आपको ये नहीं पता कि भैंस की अरबी क्या है तो आप इसी तरीके से बोल दें हादा भैंसुन, और फिर उस भैंस के शब्द को आप अपनी डायरी में नोट कर लें और डिक्शनरी में उसे तलाश कर लें। लेकिन याद रखें, फिर दोबारा उस लफ्ज़ को हादा भैंसुन ना बोलें। फिर दोबारा दूसरी मरतबा में आप कोशिश करें कि उसका जो रियल लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, उसको आप याद कर लें और उसे ही बोलें, हादा जामूसुन। मोहतरम नाजरीन, ये थी चंद बुनियादी और उसूली बातें जिनका जानना कोर्स में दाखिल होने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड से हम बाकायदा कोर्स में दाखिल हो जाएंगे और अरबी बोलचाल सीखना शुरू कर देंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फ़रमाए और हमें अरबी ज़बान में महारत अता कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।